Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another video. तो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं Carrefour Sales Simulator. तो जैसे कि आप लोगों को याद होगा कि अभी तक हम लोग इस गेम में अपने शोरूम से गाड़ियां बेच के पैसा कमाते थे, बट अभी गेम में आ चुकी है ड्रैग रेसिंग, यानी अब हम लोग रेसिंग करके भी पैसा कमा सकते हैं. मैं अच्छा खासा कमा रहा था क्योंकि अपने पास थी मस्टैंग, लेकिन लास्ट एपिसोड में मैंने मस्टैंग की रेस ऑडी R8 से करवा दी और मैं इतनी ज्यादा बुरी तरह हारा कि कुछ पूछो मत. तो हारने का नहीं था, तो किस चीज का था कि उस रेस में मैं $2,00,000 हार गया भाई. और ये ना मेरा अभी तक का इस गेम में सबसे बड़ा नुकसान है. बट यार अभी इस नुकसान के चक्कर में मैं ड्रैग रेसिंग नहीं छोड़ सकता क्योंकि इसमें फायदा भी बहुत ज्यादा होता है, बट अगर हारो तो डबल ट्रिपल नुकसान हो जाता है. तो मुझे एक ऐसी गाड़ी खरीदनी पड़ेगी जो इतनी ज्यादा फास्ट हो कि वो कभी किसी रेस में हारे ही ना, जैसे कि निसान GTR हो, फरारी हो, लैम्बोर्गिनी हो, कोई एक तगड़ी सुपर कार लेनी होगी. हाँ मतलब मस्टैंग एंड सुपरा भी अच्छी है, बट जब सामने R8 वगैरह आते हैं ना तो भाई फिर कुत्ता बन जाता है क्योंकि इन सब गाड़ी में V12 इंजन है. तो आज की सारी वीडियो में अपना टारगेट ये रहेगा कि मुझे एक सुपर कार खरीदनी है जो $5,000,000 वाली आती है. अपने पास पैसा पड़ा हुआ है, बस गाड़ी ढूंढनी है. लेट्स गो गाइस, बातें कम करते हैं, जल्दी से चलते हैं गेम में. ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू टेक्नो मोटर्स. देखो यार अभी अपनी डीलरशिप बहुत लग्जरी डीलरशिप बन चुकी है, पर पता नहीं क्यों अभी भी लोग यहाँ पर कूड़ा वूड़ा फेंक के जाते हैं. बाकी यहाँ मैं ये बोल रहा था कि ऐसा नहीं है, हमने आज तक कभी कोई तगड़ी सुपर कार नहीं खरीदी है मस्टैंग एंड सुपरा से ऊपर. आप लोग को याद होगा हमने एक पोर्शा खरीदी थी, बट उस टाइम पर ना ड्रैग रेस नहीं होती थी तो मुझे उस गाड़ी की इतनी वैल्यू नहीं थी. मैंने कहा किस काम आएगी, बेच देते हैं. तो बहुत अच्छे खासे प्राइस में मैंने उस गाड़ी को बेच दिया था. बट अभी मुझे एक सुपर कार की जरूरत है क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं अपनी मस्टैंग बार बार लेके जाऊं और ड्रैग रेस में हार के पैसा बर्बाद करूं. मुझे गाड़ी पसंद है, मैं इसे बेचना नहीं चाहता, इसे अपना संभाल के रखेंगे. फिलहाल लास्ट एपिसोड में मैंने एक बीटल खरीदी थी वॉक्सवैगन की, तो शोरूम ओपन कर देते हैं ताकि इसके कस्टमर वगैरह आके गाड़ी खरीद ले. बाकी हाँ आज कार मार्केट प्लेस ओपन है, वहां पर चलकर देखते हैं, कभी कभार वहां भी अच्छी अच्छी गाड़ियां आती है. बट बहुत रेयरली होता है, जब मेरी जेब में पैसा होता है तब वहां गाड़ी नहीं आती, पर अगर मेरी जेब में $1,00,000 है तब वहां पे भाई सुपरा फरारी सब आ जाएगी. पर जो भी आज एक बार दोबारा चक्कर लगाकर आते हैं वरना ऑक्शन का वेट करना पड़ेगा. हाँ मतलब ऑक्शन एक ऐसी जगह है जहां पर सुपर कार्स बहुत ज्यादा आती है. बाकी अपनी मस्त मस्टैंग है, इसको भी थोड़ा बहुत साफ कर लेते हैं. वैसे एक सेकंड में कपड़ा क्यों मार रहा हूं, मैंने लास्ट टाइम ये वॉशर अनलॉक करा था. ये देखो मैं पानी डाल के गाड़ी क्लीन कर सकता हूं जल्दी जल्दी. तो ये लो भाई गाड़ी मस्त फुल चमका दी है. आज ड्रैग रेस पे भी चलना है, पर हाँ ड्रैग रेस पे तो मैं बाद में जाऊंगा अगर मुझे कोई नई गाड़ी मिल जाती है वो लेके, वरना नहीं मिली तो अपनी इस मस्टैंग को ही लेके चलेंगे. बाकी अभी पर्सनल कार है तो इसका ध्यान मुझे ज्यादा रखना पड़ेगा. फ्यूल थोड़ा कम हो चुका है, लगे यहाँ चल के डलवा लेता हूँ, उसके बाद चलते हैं मार्केट प्लेस में. और ये है इसका नाइट्रो, भाई बहुत पटाखे मारते गाड़ी का साउंड क्रेजी है, इसलिए मजा आ रहा है चलाने में. बट जो भी है अभी फटाफट से गाड़ी यहीं पर पार्क करते हैं आराम से एकदम और फ्यूलिंग करते जल्दी. ये रहा फ्यूल भाई, डाल देते सारा पूरा भर दो भाई अपनी गाड़ी, जितना मर्जी तेल डालो इसमें, पूरे टाइम मुझे चलानी है. मेरा अभी इसको बेचने का प्लान नहीं है क्योंकि मैंने आप लोगों से पूछा था और आपने कमेंट्स में कहा कि अभी थोड़े दिन रखो यार, अच्छी लग रही है. लेट्स गो, गाड़ी में फुल फ्यूल मैंने डलवा लिया है, अब जल्दी से इसे लेकर चलते हैं मार्केट प्लेस में और देखते हैं कि वहां पर कोई गाड़ी आई है या फिर नहीं. आई मीन गाड़ी तो आई होगी बट अच्छी गाड़ी, अपने मतलब की कार, क्योंकि पहले क्या करता था मैं सस्ती गाड़ियां लाके बेचता था, बट अभी मैंने अपने डीलरशिप का रूल चेंज कर लिया है. मैं सिर्फ लग्जरी कार्स लाकर बेचने वाला हूं जो ऐसे $1,00,000 की आती है. मस्त यहां पर लाके गाड़ी पार्क करते हैं आराम से और इंजन ऑफ करके जल्दी से अंदर चल के देखते हैं कि कोई बढ़िया कार यहाँ पर आई है या फिर नहीं. ये आंटी BMW लेकर आई है, ये बहुत पुरानी है, देखने में तुम्हें डब्बा लग रही होगी बट बहुत महंगी बिकती है. पीछे की तरफ में भाई ये मुझे नहीं, वेट भाई वेट गाइस, लैम्बोर्गिनी फरारी दोनों आ रखी है आज. एक सेकेंड, अपने पास $4,50,000 है भाई, मुझे गाड़ी चाहिए, बेच दे तू. कितने के भाई? लैम्बोर्गिनी पुराना मॉडल है, कोई $3,50,000 की मिल रही है. और नहीं यार मैं फरारी पे ज्यादा बना रहा है अभी क्योंकि वो बहुत पुराना मॉडल है. फरारी प्लीज यार, यार भाई देख तू, मेरे को लग रहा है देख 24% डैमेज है, 3,00,000. लेट्स गो भाई, आज थोड़ा सा और पैसा कमा लिया ना, दोनों गाड़ी ले जाऊंगा. बाकी हाँ 3,45,000 की मिल रही है, अपने पास $4,50,000 है भाई, पैसा बहुत है, फरारी आ गई भाई. एक काम करता हूँ 3,00,000 की दे दे, बात खत्म. सॉरी मैंने 30,000 डाल दिया. ओके मैंने इसे ऑफर करा है और अरे सीधा बेच दी उसने, फरारी खरीद ली गाइस, हमने खरीद ली. ये देखो ये री भाई साहब, ओ भाई विश्वास नहीं हो रहा है, बट हाँ अभी करना पड़ेगा विश्वास क्योंकि गाड़ी आ चुकी है. एक काम करता हूँ ये बाहर निकलता हूँ, लगे यहाँ लैम्बोर्गिनी भी ले लेते हैं, $1,50,000 पड़े हैं. वैसे यार ये इतना ज़्यादा बागेन तो नहीं करेगी, जल्दी से कुछ गाड़ियाँ खरीद के उसे बेच के पैसे कमा लेता हूँ. लैम्बोर्गिनी भी आज के आज ही ले जाऊँगा. 3,21,000 की ये दे रही है बट 1,50,000 की तो नहीं देगी, ऑफर करके देख लेते हैं. बट यार फरारी तो तुरंत मिल गई. हाँ ठीक है,
मुझे ना गाइस 3 लाख तक कमाना पड़ेगा। मस्टैंग बेचने पे लगा रहा हूँ भाई, मस्टैंग बेच रहा हूँ मैं, मुझे नहीं पता। आज फरारी चला के घर जाएंगे। नहीं नहीं यार एक सेकंड, फरारी चला के घर नहीं जाएंगे, फरारी को ना मैं टो करवा देता हूँ। नहीं यार चला के जाऊंगा, मेरा चला के नहीं, चलो छोड़ो, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ भाई, रिपेयर करा के चलाऊंगा आराम से भी। मैंने फरारी टो करवा के रिपेयर पे भेज दिया, अब मस्टैंग को लेकर चलते हैं भाई। मस्टैंग भाई अब तेरे को जाना पड़ेगा, मुझे नहीं पता, मेरे को लैम्बोर्गिनी आ चुकी है, वो गाड़ी मुझे चाहिए। बाकी एक सेकंड मैं ना जाने से पहले एक दो गाड़ियां और चेक कर लेता हूँ, क्योंकि पैसा कमाना है। तो ये BMW बहुत सही कंडीशन में, 0% डैमेज, 16,000 की मिल रही है, 10,000 दे के फटाफट ले लेता हूँ। अभी क्या है ना, मेरे को लैम्बोर्गिनी के लिए आज के दिन ही पैसा इकट्ठा करना है बहुत ज्यादा। तो 12 भाई एक नहीं दो सुपर कार खरीदेंगे भाई, खरीद ले यार। लास्ट देखो मैं से 14,000 बोल के ये BMW उठा रहा हूँ, मेरे को भी ज्यादा ड्रामा नहीं चाहिए, भेज दे भाई। ओके नाइस, गाड़ी हमें मिल चुकी है, सीधा इसको मैं टो करवा के अपने शोरूम के बाहर भेज देता हूँ। दो गाड़ियां हमने खरीद ली है, ये वाली भी सही कंडीशन में है, डैमेज तो नहीं है, 6% डैमेज नहीं चाहिए। मेरे को ना कोई एक और प्रॉपर मेंटेन्ड कार चाहिए बहुत अच्छी कंडीशन में, जिसको रिपेयर ना कराना हो, सीधा बेचना हो, ये अच्छी है। फियाट की कार है कोई 13,000 की, ये मैं इससे ले लेता हूँ 10,000 का। यार चलो छोड़ो भी, मैं और गाड़ी नहीं ले रहा, मेरे को ऐसा लग रहा है मस्टैंग बेचूंगा ना $3 लाख इकट्ठे हो जाएंगे। यार वैसे इस गाड़ी को बेचने का मन तो नहीं है, पर अभी लैम्बोर्गिनी चाहिए तो बेचना पड़ेगा भाई। लेट्स गो गाइस, गाड़ी घुमा लेते हैं, मस्टैंग यार आती जाती रहेगी यार, दूसरी ले लेंगे कोई, ये फिर लैम्बोर्गिनी नहीं आती इतनी जल्दी। चलो गाइस अभी गाड़ी भगाता हूं, मैं पहुंच चुका हूं शोरूम पे, और बीटल के लिए कस्टमर भी आए हुए हैं यहां पर, थोड़े बहुत लोग खरीदने आ रखे हैं। तीनों गाड़ियां बेचने पे लगा रहा हूं भाई, आज अपने को लैम्बोर्गिनी लेनी है, 3 ही घंटे अपने पास बचे हैं। हेलो सर, कितने की खरीदोगे आप जल्दी से? $1 लाख मैंने डाले हैं इस गाड़ी के, मैं लाया 26,000 की था, वैसे 36 से दे रही है, आई थिंक उतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है इससे। जल्दी सर आप बताओ, 1 लाख के 40 तो दो यार, $40,000 में ले जाओ, अभी ज्यादा टाइम नहीं है, मेरे को बहुत काम करने हैं। ओके नाइस, बिक गई भाई गाड़ी, बिक गई। चलो अभी BMW भी बेचने लगाते हैं। यार अभी ना मैं प्रोफेशनल डीलर बन चुका हूं, एकदम फटाफट जो गाड़ी लाके बेच देता है। BMW आई है, मस्टैंग दोनों को बेचने पे लगा रहा हूं। मुझे पता है आप में से बहुत से लोग मेरे को चिल्लाने वाले हो कि मस्टैंग कैसे बेच दी तूने, उसने इतनी ड्रैग रेसेस जितवाई है। बट यार अभी खुद सोचो ना, लैम्बोर्गिनी आ रखी है भाई। इस गाड़ी पे हमने $40,000 समथिंग लगवाए थे, इसको मैं $82,000 का डाल देता हूं, इतनी महंगी नहीं बिकने वाली मस्टैंग, ज्यादा महंगी नहीं जाती। एंड BMW लाए थे हम 14,000 की, इसको मैं शायद से 40,000 का निकाल दूंगा, डाल देते हैं जितने की भी जाए। बाकी फरारी रिपेयर पे लगवा के आते हैं भाई। अगर अब ये दोनों गाड़ी बिक गई ना, तो मैं जाके लैम्बोर्गिनी ले सकता हूँ, इतना कंफर्म है। भाई क्या प्यारी दिख रही है, अरे व्हाइट कलर में, फटाफट इसे रिपेयर कर, आज तो ये गाड़ी रिपेयर होगी, पेंट वेंट करवाएंगे, इसके टायर मुझे चेंज करवाने, काम इसमें बहुत सारा करवाना है। बट अभी मैं ज्यादा पैसा इस पे नहीं लगाऊंगा, क्योंकि फरारी पे खर्चा करने पे मैं आया, तो भाई वो बहुत खर्चा करवा देगी, और उस चक्कर में मैं लैम्बोर्गिनी नहीं ले पाऊंगा। तो आज फरारी पे बस थोड़ा बहुत काम करवा के इसे पार्क कर देते हैं, ड्रैग रेसेस खेलेंगे, थोड़ा बहुत पैसा आ जाएगा। बाकी ये मैडम 51,000 तो देख रही है भाई मस्टैंग के, 60,000 बोल के निकाल देता हूँ। यार वैसे 60 मैंने कम तो नहीं बोल दिया, डबल कमा रहा हूँ। वेट बिक गई भाई, कितनी जल्दी बिकी है मेरी येलो कार, डिमांड बहुत ज्यादा थी भाई उस गाड़ी की। ओके नाइस, अभी BMW बची है, BMW को भी कस्टमर यहाँ पर आ गए हैं, 2,37,000 इकट्ठे हो गए, बट शायद से इतने में नहीं आने वाली है। हेलो मैम, मुझे एक ड्रैग करनी पड़ेगी यार, 40,000 डाल, 16 पागल है क्या, थोड़ी सी ले, 22,000 में ले जा, मैं जल्दी से एक और गाड़ी लाके बेचता हूँ। नहीं यार नहीं बिकने वाली, तो तू जा यार, फिर मेरे पे टाइम नहीं है, जा यहाँ से। ओके वेट, यहाँ पर दो कस्टमर और आ चुके हैं भाई, BMW की भी डिमांड है अच्छी खासी। 40,000 17 दे रहा है, नॉट बैड, बट तू एक काम कर, 22,000 दे दे, ले जा इसको, चार टाइम में लगाया तो अमीर लग रहा है मेरे को। हाँ जी मैम आप बताओ, 17 तो वो दे रहा था, $3,000 कमाऊंगा मैं BMW से, खुद सोचो 17 क्यों दे रहे भाई, 20 लास्ट है भाई, खत्म करो, ले जाओ इस गाड़ी को। नहीं यार तू टाइम वेस्ट कर रही है, सर आप समझदार लग रहे हो मेरे को, 20,000 में ले जाओ ये गाड़ी, ये ले जाएगा मेरे को लग रहा है, ये 20,000 में ले जाएगा। बाकी एक नया कस्टमर आ चुका है, दोनों को भगा के। ओके नाइस, बिक गई, 2,57,000 इकट्ठे हो गए हैं। क्या करूं यार, टाइम बहुत कम बचा है, मेरे को लग रहा है लैम्बोर्गिनी निकल जाएगी हाथ से, निकल जाएगी नहीं शायद से निकल गई है, क्योंकि अभी ज्यादा टाइम नहीं बचा। फटाफट चलते हैं एक बारी कार मार्केट, यार थोड़े से पैसों की कमी रहेगी, लैम्बोर्गिनी आ जाती वरना, मतलब 3.5 लाख अभी भी ट्राई करता हूँ, इसे बताता हूँ, $1 लाख तो ये कम नहीं करेगी भाई, गाड़ी बहुत ज्यादा डैमेज है पता है। मैम एक काम करो, 2,56,000 की बेच दो यार, ये बेच दे यार प्लीज। नहीं यार नहीं बेचेगी ये, मेरे पास जितना पैसा सारा डाल दूंगा, थोड़ा सा बढ़ाते हैं, 2,57,000 में बेच दे प्लीज भाई, जितना पैसा है पूरी जेब खाली कर रहा हूँ मैं इस गाड़ी के लिए। नहीं यार ये नहीं बेच रही यार, मन बहुत ज्यादा खरीदने का बट पैसा नहीं है, और अभी नेक्स्ट डे होने वाला है तो मार्केट प्लेस बंद हो जाएगा और फिर ये गाड़ी हाथ से चली जाएगी। दुख हुआ बट खुशी भी है, फरारी आ गई भाई, उस चीज की ज्यादा खुशी होनी चाहिए। ओके मैं ऑफिस वापस आ चुका हूँ, फरारी पे काम करवाना शुरू कर देते, वैसे अभी मुझे कल ही आना पड़ेगा, आज का तो दिन खत्म हो गया, बट जो भी है फरारी आ चुकी है भाई, मजे आने वाले हैं मस्त। लेट्स गो, गाड़ी में बैठते हैं, इसे लेकर चलते हैं भाई घर पे। ओहो भाई साहब, गाड़ी का साउंड तो बहुत डिफरेंट है बाकी कार से। चलो अभी इसे भगाते हुए लेकर चलते हैं, आज सोएंगे
कल इस गाड़ी को पूरा मॉडिफाई करवा के ड्रैग रेस खेलेंगे। आई होप मुझे ये कोई भी ड्रैग रेस में ना हरवाए। ओहो, पटाखे तो भाई मार रहे, वैसी बात नहीं है। अभी इसके अंदर बूस्टर वगैरह नहीं लगा हुआ है, तो बहुत सारी ट्यूनिंग इस पे मुझे करवानी है ताकि ये बहुत फास्ट हो जाए। और मुझे ऐसी फील है कि इस गाड़ी को ले लिया है मैंने तो मैं किसी से ड्रैग रेस में नहीं हारने वाला हूँ। बट हाँ, थोड़ा सा डर है, निसान GTR आएगी ना, वो थोड़ा टक्कर देगी बुरी वाली। बट जो भी, अभी चल के सोते हैं फटाफट से। गुड मॉर्निंग गाइस, नेक्स्ट डे हो चुका है और ये रही अपनी गाड़ी, बैठते हैं भाई। बहुत सारा काम करवाना है और आज भर भर के ड्रैग रेस खेलनी है। और 4 बजे आज ऑक्शन है, तो उस ऑक्शन के लिए मुझे पैसा इकट्ठा करना है। हो सकता है आज हम लोग लैम्बोर्गिनी नहीं ले पाए, तो ऑक्शन से कोई और बढ़िया कार ले ले, या फिर लैम्बोर्गिनी R8 कुछ तो ले ले। वैसे एक सेकंड यार, मैं सोच रहा हूँ कि ऑफिस जा ही रहा हूँ तो लगे हाथ एक बार नेबरहुड में भी चक्कर काट लेता हूँ। यहाँ भी गाड़ियां आती है मस्त। सामने एक मस्टैंग आ रखी है, तो भाई ऐसे ध्यान नजर रखनी पड़ती है भाई, अगर पैसा कमाना है तो जल्दी जल्दी काम करना होगा। हाँ जी सर, कितने की बेच रहे हो मस्टैंग? गाड़ी फुली ठीक है भाई, और 35 में मिल रहे, तो ये मेरे को 32,000 में बेच दे, क्योंकि मैं इसे 56 का बेच दूंगा, मुझे मालूम है। नाइस, गाड़ी अपने पे आ गई, इस गाड़ी को सीधा शोरूम पे भेजते हैं। यार देख रहे हो, मस्टैंग ऐसे रेयर नहीं है, एक बेची अगले एक घंटे में ही दूसरी खरीद ली, तो इसीलिए मैंने मस्टैंग को बेचने में ना ज्यादा सोचा समझा नहीं। मैंने कहा भाई निकालो इस गाड़ी को, ये आते जाते रहेगी। बाकी यहाँ पे तो और कोई भी कार नहीं खड़ी। वेट, सामने एक ऑडी है, बट नहीं S5 नहीं। यार ऑडी S5 बहुत सस्ती बिकती है, पता नहीं क्यों, इस गेम में उससे महंगी ऑडी TT बिक जाती है। बाकी यार यहाँ पर और गाड़ियां, पूरा नेबरहुड खाली पड़ा है यार आज, मतलब गाड़ियां है ही नहीं। चलो छोड़ो, अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। गाइस, थोड़ी सी ड्रामेबाजी के चक्कर में मैंने गाड़ी आगे से ठोक डाली है और डैमेज हो गई है गाड़ी। कोई बात नहीं, गाड़ी को फटाफट से चल के रिपेयर पे लगवाते हैं दोबारा। वैसे भी मुझे इस पे थोड़ा बहुत काम करवाना था, पर यार मैंने नुकसान करवा दिया गाड़ी का। चलो गाड़ी लगा दी रिपेयरिंग पे। चलो भाई, गाड़ी फटाफट से मैंने रिपेयरिंग पे लगवा दी है, ज्यादा खर्चा नहीं आया, $130 एक्स्ट्रा लगे हैं इस पे। अब एक काम करता हूँ, मस्टैंग को बेचने के लिए लगवा देता हूँ। $225,000 पड़े हैं। ऑक्शन से पहले मुझे और पैसा इकट्ठा करना चाहिए। चलो भाई, गाड़ी को लेके चलते हैं आराम से पीछे। इस मस्टैंग में ना ज़्यादा से काम हो नहीं रखा, नॉर्मल किट इंस्टॉल्ड है, तो ठीक ठाक प्राइस में जाएगी ये। तो इसे अपलोड करता हूँ भाई मैं फटाफट। ओल्ड मस्टैंग 32,000 की लाया था, 60,000 डाल देता हूँ, क्योंकि ये मेरे को पता है 54 से ऊपर ही नहीं जाने वाली, 50 की चले जाए वही बहुत है। बाकी फरारी रिपेयर हो चुकी है, फरारी की मेरे को व्हील्स चेंज करवाने हैं, उसका पेंट चेंज करवाना है। भाई फरारी रेड ही अच्छी लगती है, तो मैं उसको रेड करवाने वाला हूँ। चलो लेट्स गो। ओके, तो गाड़ी घुमा के, अरे यार अभी आना था क्या इसको? भाई जब इसका रिपेयर हो जाएगा तब मेरा नंबर आएगा, अभी मेरे को वेट करना पड़ेगा। जब तक एक काम करता हूँ, वेट करने की जगह गाड़ी वॉश कर लेता हूँ, थोड़ी सी गंदी हो रखी है, चमक जाएगी तो बेटर है। भाई पूरी प्योर व्हाइट है। चलो अपनी फरारी को मैंने फुल क्लीन कर दिया है, अब फटाफट से बैठते हैं और रिपेयर करवाते हैं। मेरे को बस देखना है सबसे महंगे वाले व्हील, सबसे महंगे वाली किट कौन कौन सी है, सारी इसके अंदर इंस्टॉल करवानी है। तो देखो अभी इसके अंदर डिफॉल्ट किट है, तो पहले $750 की रेसिंग किट, TCS टर्बो, NOS, सस्पेंशन को मैं अप डाउन कर सकता हूँ, फिलहाल ये फुल डाउन हो रखे। मैं तो SUV बना दूं कैसे उठा के चिपकली सी लग रही है, फ्रॉक जैसी। ठीक है, तो ये एकदम ऐसी रहने देते डिफॉल्ट। लाइट्स इसकी लाइट्स पर्पल पिंक तो नहीं, सियान कलर मेरे को पता नहीं क्यों बहुत पसंद है, तो ये अपडेट करा देते हैं। नंबर प्लेट तो कैलिफोर्निया की बेस्ट है। एंड बारी आती है व्हील्स की, तो सबसे महंगे वाले तो देखो ये है, बाकी सूट भी इस पे यही कर रहे हैं, ऐसी बात तो नहीं है। परफॉर्मेंस किससे आएगी, फर्क पड़ेगा क्या? यार BMW वाले भी बहुत सही दिखते हैं, बट BMW पे तो अभी मैं सबसे महंगे वाले 5,000 के मैंने व्हील्स इंस्टॉल करवा दिए। डन है भाई, गाड़ी पूरी मस्त हो चुकी है अभी एकदम। अब बस फटाफट से इसे लेकर चलते हैं, थोड़ा बहुत इस पे काम बचा हुआ है जो कि अपना पेंटिंग का है, तो फटाफट से इस गाड़ी का कलर रेड करवा देते हैं। भाई बहुत प्यारी दिखने लग गई है तो अभी से। हाँ जी सर, ज्यादा बातें नहीं, गाड़ी को रेड कर दो बस। डन, गाड़ी पेंट हो चुकी है, एक बार बाहर निकल के देखता हूँ कैसी लग रही। यार ये बहुत शाइनी हो रही है, इतनी पॉलिश कम करो यार इसकी, पता नहीं मैंने कैसा सा पेंट करवाया, बट ठीक है, गाड़ी बहुत ज्यादा रेड हो गई है और शाइन कम कर रही है। ओके नाइस, अबे भाई ये तो बहुत अलग एक्सट्रीम लेवल रेड है, मस्त दिख रही है। ओके वेट, अभी बहुत सारे कस्टमर आए हैं, ये देखो बेटा टेक्नो मोटर से फरारी आने लगी है। अब लोगों को लग रही होगी भाई अपनी डीलरशिप फुल महंगी वाली, थोड़ी बहुत गाड़ी धो देता हूँ, गंदी थी। बाकी हाँ, इन लोगों से बात करना है, मस्टैंग बिक जाए लगे हाथ, फिर उसके बाद चलते हैं। $60,000 45 आंटी मुझे दे रही है। एंड आप कितने की खरीद रहे हो? 45 भी बुरा नहीं है यार, अच्छे खासे पैसे हैं। 39 पागल है क्या? इससे बात करूंगा मैं। 45 को मैं 52 करवाने का ट्राई करता हूँ। बागेन $52,000 फाइनल ऑफर, बढ़िया कार है, एंजॉय करोगे, लाइफ टाइम चलेगी। ओके बिक गई भाई, प्रोफेशनल हो गया हूँ मैं, जितना मैं बोल देता हूँ उतने की बिक जाती है भाई। चलो अब बारी आ चुकी है फरारी में, इतनी सारी चीजें इंस्टॉल करवाई है, तो फटाफट से लेकर चलते हैं ड्रैग रेस के लिए और अभी मारते हैं इसके अंदर बूस्टर। लेट्स गो, अब दिखाएगी भाई फरारी की क्या स्पीड है। ऐसा तुम्हें फील हो रहा है कि मस्टैंग जैसी फास्ट है, वो जैसे अलग पावर से ही निकल कर आ रही है गाड़ी से, पता नहीं क्यों, मतलब
मस्टैंग वगैरह में भी इतनी पावर लग रही थी। बाकी हाँ आज भाई तीन रेसेस हो रही है आज और तीनों छोटे बच्चे हैं। मतलब कल आ रहे निसान जीटीआर क्या क्या था भाई, सीधा रेस लगाते हैं हम लोग सबसे महंगे वाले से। ये 95,000 की लगा रही है, ये 93,000 की लगा, भाई क्या कमाई होगी। ये 1,00,000, ये स्कोडा वर्सेस फरारी 1,00,000 जीत के आऊंगा भाई मैं सीधा। ओके आज तो बहुत बढ़िया वाली कमाई होने वाली है क्योंकि मेरे पास जो कार है मुझे उसकी पावर पता है। भाई का दौड़ाऊंगा ना अपनी गाड़ी में और क्या जीतूंगा इससे मैं तो वो सोच रहा हूँ। चलो भाई स्टार्ट करते हैं गाड़ी, गियर अप करके थोड़ी सी आगे लेकर चलते हैं और अब बस उड़ानी है मुझे तो भाई गाड़ी उड़ानी है। ठीक है कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, रेस लाइन पे ले आए हम लोग। चलो गो बाय बाय। इसको तो गायब कर दिया भाई, गायब कर दिया भाई, सीधा $1,00,000 कमा लिया इतनी जल्दी। मैं यार जो चीज खरीद के लाया हूँ ना पैसों की बरसात होने वाली है भाई। सामने एक पोर्शे है और ये $2-3 लाख की रेस, भाई $2 लाख की रेस लगा रहा है। मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है मतलब उसकी गाड़ी की लुक देख के। अभी लगाता हूँ मैं, देर से लगाता हूँ, पहले लेक्सस वाले से लगा लूँ। ये भी 1,00,000 ही दे रहा है, उससे ज्यादा तो नहीं है, बट हाँ इससे रेस कर लेते हैं। इससे साफ दिख रहा है मैं जीतूंगा, अपने बैंक में पैसा डबल होएगा सीधा। अभी पता क्या होगा, 2,00,000 की रेस जीतने के बाद अगर मैं उस पोर्शे वाले से हारा ना तो बहुत गुस्सा आ जाएगा यार, जितना कमाया सारा डूब जाएगा। बट ठीक है, फरारी ऐसे कैसे हार सकती है यार, इतना काम हो रखा है गाड़ी में। चलो भाई लेट्स गो, गाड़ी आगे लेकर चलते, इससे तो जीत जाऊंगा, प्यार से जीत जाऊंगा भाई। ले आ भाई ले आ, भगानी है बस मुझे। 3-2-1 होते ही डन भाई, दोनों गाड़ी आ चुके हैं, लेट्स गो भाई। बाय 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 कर दिया भाई, कोई तरीका ही नहीं बचा भाई। कितना गैप है भाई, कितना गैप है, फरारी डेंजर है भाई, लेट्स गो। देखो यार बैठे बिठाए मुझे फरारी ने $2,00,000 जितवा दिया और लास्ट रेसर भाई पोर्शे वाला चला गया घर। ये आया है, हाँ जी भाई तू भी 94 आ जा भाई क्या कमाई हो रही है यार, मल्टीप्लाई हो रहा है पैसा। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि भाई अब बस गाड़ी खरीद ली, ड्रैग रेस करूंगा जिंदगी भर, पैसा कमाते रहूंगा। ए यार ये क्या रेसर है भाई, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इसने बेट के लिए हाँ कैसे बोल दिया, कितने गट्स हैं इसमें। ले आ भाई हारने के लिए रेडी हो जा, अपनी हो गया, अपने को तो बस रेस देनी है। 2-1 लेट्स गो, चल भाई बाय भाई, ये तो रह गया भाई, नाइट्रो अलग मारूंगा भाई। एक बार अगर रोक के भी गाड़ी चलाऊंगा ना तब भी मैं ही जीतूंगा। वो देखना कितनी पीछे है भाई, मैं गया क्या है भाई, ये रेस करने क्यों आया था बंदा। गाइस अभी आपको एक गुड न्यूज दूं, जितने की मैंने गाड़ी खरीदी थी ना उतना पैसा मैंने कमा लिया, 3,00,000 समथिंग की थी, 3 रेस जीत गया भाई, 3,00,000 के हिसाब बराबर। मुझे गाड़ी बेचनी भी नहीं पड़ी और उतना पैसा भी आ गया भाई, क्या मजे आ गए भाई। वैसे ये गाड़ी अगर मैं बेचूंगा ना तो बहुत महंगी बिक सकती है, बट वैसे अभी बेचूंगा नहीं, ये इससे मेरा बहुत फायदा होने वाला है, मैं रेस ही नहीं हारने वाला इससे। हाँ मतलब निसान GTR वगैरह आई तो थोड़ा है, मतलब अभी तक ट्राई नहीं करा, क्या पता उसको हरा दे, बट जो भी है अभी फटाफट से चलते ऑफिस में। अभी ऑक्शन तो कैंसिल हो गया शायद, ड्रैग रेस खेलो तो पता नहीं क्यों जो टास्क होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं। जैसे ऑक्शन वगैरह मार्केट प्लेस वगैरह सब बंद हो जाता है ड्रैग रेस खेलने पे, पता नहीं ऐसा क्यों है, बट हाँ जो भी अजीब है। ओए एक सेकंड, मैंने सारी गाड़ियां बेच दी थी क्या, चलो लाओ ये कूड़ा फेंक देता हूँ मैं भाई। $5,83,000 है मेरे पास और अभी इतने सारे पैसों का मैं ऐसे बेमतलब यूज नहीं करने वाला, बस सुपर कार्स खरीदेंगे यार। एंड सुपर कार खरीदने के लिए तो मुझे ऑक्शन में जाना पड़ेगा, ऑक्शन बंद है। ड्रैग रेस मैंने सारी कंप्लीट कर ली, फटाफट से एक काम करता हूँ नेबरहुड घूम कर आते हैं भाई। आज भाई जो गाड़ी खरीदी है इसने सारी टेंशन खत्म कर दी, मैंने इतना पैसा कमा लिया कैसा लग ही नहीं रहा है कि आज मुझे काम करने की जरूरत है भाई साहब। चलो गाइस अभी पहुंच चुके हैं हम लोग नेबरहुड पे, अब यहाँ पर गाड़ियां ढूंढते हैं क्या पता कोई तो मस्त कार आ। ओए पता नहीं डैमेज हुआ है नहीं हुआ, पर हाँ टक्कर मार के गए वो। खैर यहाँ पर तो कोई भी गाड़ी नहीं नजर आ रही अच्छी सी। लेफ्ट में एक लेक्सस है, ये भी सस्ती है भाई, क्या मस्त दिख रहा होगा यार। इनके नेबरहुड में एक फरारी घूम रही है, बताओ क्या अपग्रेड आया भाई अपनी लाइफ में। हम पैदल आते थे, पैदल से अचानक से मस्टैंग, फिर सीधा फरारी। बाकी यहाँ पर यार कोई भी गाड़ी नहीं है जो मेरे को पसंद आए, और कुछ कुछ लेने नायक नहीं बचा यार अब नेबरहुड में। बट जो भी है अपने को एक ऐसी गाड़ी मिल चुकी है जिससे मैं बैठे बैठे $3-4 लाख इजिली कमा सकता हूँ, और अगर आगे चल के बड़ी रेसेस आएंगे तो और भी पैसा कमा पाएंगे। बट जो भी है आप लोग को गाड़ी कैसी लगी मुझे कॉमेंट्स में जाके जरूर बताना, और चैनल पर नहीं हो तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर दो, मुझे भी अपने शोरूम में बहुत सारा काम करना है। जब से ड्रैग रेस आई है ना मैं रेसेस में घुस गया हूं, डीलरशिप में गाड़ियां ही नहीं है, बट अपना टारगेट ये है कि हाँ अब से मुझे महंगी महंगी गाड़ियां ला के पूरा भरना है शोरूम, और उसको एकदम फुली अपग्रेड करना है, एक नया घर लेना है, क्योंकि अब तो फरारी आगे कंटेनर में थोड़ी रहेंगे, तो घर भी लेंगे लेकिन आने वाली वीडियोस में। बाकी आज के वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।